इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। 24 अप्रैल 2023 विश्वास की घोषणा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं विशेष, असाधारण और अलौकिक हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं केवल अपने, अपने परिवार और अपने भविष्य पर विश्वास और जीत के सकारात्मक शब्द बोलता हूं। मैं अपनी परिस्थिति का वर्णन करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग नहीं करता, बल्कि मैं अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करता हूं। मैं अपने पक्ष में अच्छे ब्रेक, चंगाई और बहाली का आह्वान करता हूं। मैं ईश्वर से यह नहीं बात करता कि मेरी समस्याएं कितनी बड़ी हैं। इसके बजाय मैं अपनी समस्याओं से बात करता हूं कि मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। यह मेरी घोषणा है। दिव्य स्वास्थ्य की स्वीकारोक्ति। मैं जो वचन बोलता हूं, वे आत्मा है और वे जीवन है। मेरे शब्दों में शक्ति है। जब मैं परमेश्वर के विश्वास के द्वारा बोलता हूँ, तो जो कुछ मैं बोलता हूँ, वह मुझ में कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि ये यीशु के नाम में बोलता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं हमेशा के लिए स्वास्थ्य में संरक्षित हूँ। जो मैं कहता हूँ, वह यीशु के नाम में हो जाएगा। यूहन्ना 14:13। मैं बलवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं परमेश्वर और मानव जाति द्वारा अनुग्रहित हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ। मैं एक अनमोल बीज हूँ। मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी भूमि पर लगाया गया हूँ। मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड़ के पेड़ की तरह फलता फूलता हूँ। मैं मौसम में बहुत फल लाता हूँ। मैं रस से भरपूर और प्रभु में हरा हूँ, और बुढ़ापे में भी मैं ताज़ा और फलता फूलता ही रहूँगा। मेरा पत्ता मुरझाता नहीं है, और जो कुछ भी मैं करता हूँ, वह यीशु के नाम में फलता है। यीशु के नाम में चीजें हमेशा मेरे लिए काम करती हैं। मैं यीशु में हर आत्मिक शब्द का प्राप्त करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में एक अंतर मन है। मेरी आत्मा और मेरा अंतर मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं। मेरी आत्मा मेरे अंतर मन को निर्देश देती है, और मेरा अंतर मन सुनता है, प्राप्त करता है, और मेरे शरीर को निर्देश देती है, और मेरा शरीर पालन करता है। यीशु के नाम में मैं अपने शरीर में बोलता हूँ। ईश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है। मैं अपने शरीर के हर अंश के लिए जीवन बोलता हूँ। मैं अपने मन से कहता हूँ, उत्तम बनो मसीह के मन की तरह, और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार गठबंधन होने की आज्ञा देता हूँ। मैं अपनी प्रत्येक नसों से जीवन बोलता हूँ। मैं अपनी मांसपेशियां और लिगमेंट्स को ताकत बोलता हूँ। मैं अपने दिल से जीवन शक्ति बोलता हूँ। मैं अपने फेफड़ों और ऊतकों से सामान्य वेंटिलेशन और छिड़काव अनुपात बनाए रखने के लिए बात करता हूँ। मैं अपनी किडनी, लिवर और पैनक्रियास को पूर्णता बोलता हूँ। मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है। मेरी हड्डियाँ, जोड़ और कार्टिलेज संरेखित, मजबूत और अटल हैं। मेरे पूरे ऊपरी और निचले अंग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी आंखें स्पष्ट रूप से और पूरे तरह से देखती हैं, और मेरे कान बेहतर तरीके से काम करते हैं। मेरी त्वचा एक नवजात शिशु की तरह चिकनी, स्वस्थ और ईश्वर की सुंदरता है। मेरे बालों के रोम कस गए हैं। मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आज्ञा देता हूँ, और जहाँ वृद्धि की आवश्यकता होती है, मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ और तांत्रिका और रक्त की आपूर्ति सभी स्वस्थ, मजबूत और उत्तम है।
मेरे सभी हार्मोन और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एकता में हैं और अपने कार्यों को सामान्य रूप से पालन कर रहे हैं। मेरा पाचन तंत्र निकले गए भोजन को पचाने, सोखना करने और आत्मसात करने में सक्षम है और अशुद्धियां नियमित रूप से उत्सर्जित होती हैं। मेरा मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम है। मैं खाने में सभी प्रकार के लत, शराब, निकोटिन, ड्रग्स, सिगरेट्स और सभी बुरी आदत जैसा जरूरत से ज्यादा खाना, टाल मटोल करना, गपशप करना, आलस्य, अधिक सोना, सुस्ती, बाध्यकारी खरीदारी और इस प्रकार की अति भोग तकनीक मीडिया में कैद से आजाद हूँ। जैसा यीशु वैसा ही मैं। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वे मेरे लिए जीवन और उपचार है। इसीलिए भोजन, घूल, जानवरों आदि से एलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर ने मुझे सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया है। मेरा प्रजनन तंत्र पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गतिशीलता वाले शुकाणुओं का उत्पादन और जमा कर रहा है। मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है, जन्म तक भ्रूण की रक्षा और पोषण कर रहा है। मेरा शरीर का हर अंग, हर कोशिका पूर्णता से कार्य करता है और जिसके लिए ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है, और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और खोटाई को यीशु के नाम पर मना करता हूँ। मेरा संपूर्ण मानव शरीर रचना, चयापचय और शरीर विज्ञान मसीह यीशु में उत्तम है। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। पिता ईश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझे पता है कि मैं जानता हूँ। पुत्र ईश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझे पता है कि मैं जानता हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे प्यार करता है। मुझे पता है कि मैं जानता हूँ। बस मैं जानता हूँ। शालोम।